आज सुहागिन महिलाओं का महापर्व करवा चौथ है। यह व्रत वैवाहिक जीवन में सुख शांति और पति की लंबी दीर्घायु के लिए हर साल महिलाएं करती है। करवा चौथ को पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति समर्पण और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। पंडित अनिल शर्मा ने बताया कि आज करवा चौथ के अवसर पर भगवान गणेश, माता चौथ और चंद्रदेव की पूजा अर्चना की जाएगी। इसके अलावा इस बार करवा चौथ पर व्यापति योग, वरियन योग और गुरु पुष्प योग बन रहा है। उन्होंने बताया कि पंचांग के अनुसार इस बार करवा चौथ की पूजा के लिए बस 1 घंटा और 16 मिनट का समय मिलेगा। पूजा करने का समय शाम 5:40 पर शुरू होगा जो 7:02 तक रहेगा। इसके अलावा चांद निकलने का समय 7:54 है। इसके बाद ही महिलाएं करवा चौथ का व्रत खोलेंगी। कि आज करवा चौथ का व्रत महिलाएं रखेगी अपने पति के दीर्घ आयु के लिए, लंबी आयु के लिए। उसमें 3 मुख्य योग बहुत ही शुभ बन रहे हैं, जिसके अंदर जो है पूजा की जाएगी। आज पूजा का समय शाम को 5:40 से प्रारंभ होगा और शाम को 7:02 पर समाप्त हो जाएगा। इसलिए आज महिलाओं को जो है पूजा का समय मात्र 1 घंटा और 16 मिनट ही मिलेंगे। इसलिए ध्यान रहे, कम समय में ही पूजा आपको कर लेनी है। और साथ में अब जो चांद आपको दिखाई देगा वो 7:54 पर आपको दिखाई देगा। तो ध्यान रहे, इस बार जो है पूजा का समय आपको 1 घंटा और 16 मिनट ही मिल रहे हैं, तो इसके लिए आप थोड़ा सजग रहिए।